आना सागर झील में 2000 के नोटों की 30 से 32 गड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने झील से पॉलिथीन की थैली में रखे नोट निकालकर जब्त कर लिए हैं। पानी में रहने से अधिकांश नोटों की गड्डियां गल चुकी हैं। पुलिस को नकली नोटों की सूचना मिली थी, जबकि मौके पर नोट देखने में असली लग रहे हैं। समय करीब 1 बजे सूचना मिली कि आना सागर चौपाटी सेंचुरी स्कूल के पास के अंदर आना सागर के अंदर नकली नोट 2000 रुपये के गिरे हुए हैं। आधी सूचना पे मौके पे पहुंचे, मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको बैंक से या रिजर्व बैंक के नियमानुसार बुला के और उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितने के नोट हैं? यह 2000 के नोट है, करीब 20-30 गड्डियाँ हैं जिसके संबंध में थैली है, प्लास्टिक की थैली में डाले हुए थे जो पानी में बिल्कुल लुगदी टाइप हो गई हैं, बिल्कुल पूर्णतया गल चुके हैं, जिसके संबंध में थाने पर ले जाके और संबंधित बैंक को बुला के मार्गदर्शन लेके नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा या कोई शरारती तत्व द्वारा फेंके हैं जिसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी और नियमानुसार जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। पुलिस बैंक के सक्षम अधिकारी से नोटों की जांच करवाएगी। वहीं उस अज्ञात शख्स को भी खोजने में जुट गई है जिसने रुपए झील में डाले थे। आना सागर पुलिस चौकी के इंचार्ज बलदेव चौधरी ने बताया कि फोन पर सूचना मिली थी कि झील के पानी में पॉलिथीन में नोटों की गड्डियां हैं, संभवत ये नोट नकली हो सकते हैं। मौके पर पहुंचकर पॉलिथीन की थैली को झील के पानी से बाहर निकाला गया जिसमें से 30 से 32 नोटों की गड्डियां मिली हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हर गड्डी 2000 के नोट की है। किसी अज्ञात शख्स ने नोटों की गड्डियों को पॉलिथीन में लपेट कर झील के पानी में फेंक दिया। टाइम 8 राजस्थान के लिए अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आना सागर झील में 2000 के नोटों की 30 से 32 गड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने झील से पॉलिथीन की थैली में रखे नोट निकालकर जब्त कर लिए हैं। पानी में रहने से अधिकांश नोटों की गड्डियां गल चुकी हैं। पुलिस को नकली नोटों की सूचना मिली थी, जबकि मौके पर नोट देखने में असली लग रहे हैं। समय करीब 1 बजे सूचना मिली कि आना सागर चौपाटी सेंचुरी स्कूल के पास के अंदर आना सागर के अंदर नकली नोट 2000 रुपये के गिरे हुए हैं। आधी सूचना पे मौके पे पहुंचे, मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको बैंक से या रिजर्व बैंक के नियमानुसार बुला के और उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितने के नोट हैं? यह 2000 के नोट है, करीब 20-30 गड्डियां हैं जिसके संबंध में थैली है, प्लास्टिक की थैली में डाले हुए थे जो पानी में बिल्कुल लुगदी टाइप हो गई हैं, बिल्कुल पूर्णतया गल चुके हैं, जिसके संबंध में थाने पर ले जाके और संबंधित बैंक को बुला के मार्गदर्शन लेके नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा या कोई शरारती तत्व द्वारा फेंके हैं जिसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी और नियमानुसार जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। पुलिस बैंक के सक्षम अधिकारी से नोटों की जांच करवाएगी। वहीं उस अज्ञात शख्स को भी खोजने में जुट गई है जिसने रुपए झील में डाले थे। आना सागर पुलिस चौकी के इंचार्ज बलदेव चौधरी ने बताया कि फोन पर सूचना मिली थी कि झील के पानी में पॉलिथीन में नोटों की गड्डियां हैं, संभवत ये नोट नकली हो सकते हैं। मौके पर पहुंचकर पॉलिथीन की थैली को झील के पानी से बाहर निकाला गया जिसमें से 30 से 32 नोटों की गड्डियां मिली हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हर गड्डी 2000 के नोट की है। किसी अज्ञात शख्स ने नोटों की गड्डियों को पॉलिथीन में लपेट कर झील के पानी में फेंक दिया। टाइम 8 राजस्थान के लिए अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट,
मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है।